नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आपने तो बहुत सारे भजी खाई होगी, यानी कांदा भजी, आलू भजी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया नए स्वाद के साथ, नींबू की मिर्च भजी, वो भी चटपटी। खाने में इतनी सॉफ्ट है और कुरकुरी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके लिए आपको हमारा वीडियो आखिरी तक देखना है और कैसे लगा तो कमेंट करके जरूर बताना है। यहाँ पे मैंने एक नया टिप्स बताई है दोस्तों, ये टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपकी जो पकौड़े एकदम कुरकुरित बनेंगे। आपको कोई कहेगा नहीं कि आपने घर पे बनाए, ऐसे लगा दुकान से लेके आए। तो हाँ दोस्तों, चैनल पे नए होगे तो लाइक करे, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम मिर्च लेनी है। हाँ दोस्तों, ये फाफड़ा मिर्च है तो ये बड़ी साइज के हमें मिर्च लेनी है। तो मिर्च को मैंने पहले पानी से धो लिया था और कपड़े से पोंछ लिया हुआ है। अब हम मिर्च को कट करते हैं। अब यहाँ पर हमने मिर्च लेनी है और मिर्च की जो डंडी होती है वो निकाल लेनी है हमें इस तरीके से। अभी मिर्च को हमें दो पार्ट में कट करना है और इसे हमें ऐसे कटना है, चार में देख सकते हो। इसमें बहुत कम भी होती है दोस्तों, और ये मिर्च जो होती है बहुत ही फीकी लगती है खाने में, तीखी थोड़ी भी होती नहीं है। तो इस तरीके सारी मिर्च हम ऐसे कट कर ले। अब यहाँ पे हमने सारी मिर्च कट कर ली है। अब यहाँ पे हमने आधा नींबू लेना और नींबू को निचोड़ लेना है। हाँ दोस्तों, एक बार ये भजी आप खाओगे दोस्तों तो आप बाकी की सारी भजी भूल जाओगे खाने में। पर अभी आपको लगा मिर्ची है तो तीखा तो लगेगा नहीं दोस्तों, ये कम तीखी वाली मिर्च होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, इसे तो बच्चे भी मांग मांग कर खा लेते हैं। अभी यहाँ पे हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अभी इसे हमें चला लेना है। अभी इसे हमने अच्छी तरह से चला लिया है। हाँ दोस्तों, नींबू डालने से एक नया टेस्ट आता है और खाने में एक नंबर लगता है। मेरे घर में तो ऐसे ही पसंद है मिर्च भजी। तो अभी इसे मैंने चला लिया। अभी इसे हमें क्या करें, 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देते, तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुटन लेनी है। यहाँ पे 10 या 12 हमें लहसुन की कलियाँ लेनी है और इसी के साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब यहाँ पे जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पे जाएगा धनिया। हाँ आप धनिया आपके हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हो। अब इसे हमें कूट लेना है। यदि आप में कूटना नहीं पसंद हो तो आप इसे मिक्सर जार में भी निकाल सकते हो। तो क्या दोस्तों, कूटने से जो टेस्ट होती है ना वो एक नंबर ही लगती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कूट कर ही मसाला ले। अभी यहाँ पर हमने मसाले को अच्छी तरह से कूट लिया है, परफेक्ट। अब यहाँ पर हमने 1 कप जितना बेसन का आटा लेना है और यहाँ पे हमने कूटा हुआ मसाला डाल देते हैं पूरा ही। अब यहाँ पे जाएगा 1/2 चम्मच धना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों में लेकर क्रश करके डालना है, फ्लेवर अच्छा आता है। 2 चुटकी हींग। अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच चावल का आटा लेना है। हाँ दोस्तों, मैंने ये वाला चम्मच यूज किया है, देख सकते हो ये वाला। अब यहाँ पे जाएगा 2 चुटकी खाने का सोडा। अब इन सारी सामग्री को पहले अच्छी तरह से चला लेना है। हाँ दोस्तों, हमारी रेसिपी आपको ये कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी यहाँ पे सारी सामग्री मैंने चला ली है। अभी यहाँ पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने बैटर को तैयार कर लिया है। हाँ दोस्तों, अभी जो हम भजी बना रहे हैं तो बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना, हल्का सा गाढ़ा रखना है। मैं आपको लेके बता देती हूँ इस तरीके से। इसे थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ, चमचे से बता देती हूँ, यानी को थोड़ा अंदाजा आपको आ ही जाएगा। अब यहाँ पर हमने चमचा ले लिया है, देख सकते हो इस तरीके से हमने बैटर चाहिए, एकदम परफेक्ट बैटर है ये, तभी हमारी जो भजी फूल के आती है, नहीं तो पतला हो जाता है, फिर मिर्च दिखती है और बैटर चिपकता नहीं मिर्च को, फिर मज़ा आती नहीं खाने में। थोड़ा बेसन का आटा चिपकने से भजी भी खाने में मज़ा आ जाती है ना, तो हमें इस तरीके से ही रखना है बैटर को। अभी एक जगह हमने ऑयल गर्म करने को रख लिया है। अभी यहाँ पर मिर्च अच्छी तरह से हमारी सेट हो चुकी है और नींबू और नमक ने पानी भी छोड़ दिया है। अभी जो हमने नींबू डाला था तो जो उसका स्वाद होता है मिर्च ने ले लिया है। जब हम फ्राई करेंगे भजी तो इसका जो खट्टापन एक नंबर आता है। अभी बारिश भी हो रही है और पितृपक्ष भी है तो मिर्च के भजे तो लगते ही ना, तो क्यों ना एक नए स्वाद के साथ हम बनाए घर पे। अब यहाँ पे हमने बैटर ले लिया है। अभी एक मिर्च ले लेते हैं, इसमें 2-3 मिर्च डाल देती हूँ इसके साथ ही। अभी इसे थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ और ये बॉल ले लेती हूँ। अभी इसे हाथों से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब एक जगह ऑयल गरम करने को रख लिया। अभी एक एक मिर्च लेना है और इसे में से तेल में फ्राई करते रहना है। अभी यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है और चेक भी कर लिया, अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अभी यहाँ पे एक एक भजी लेनी है मिर्च वाली, वो डालते जाना है। हाँ दोस्तों, पकौड़े फ्राई करते समय हमें थोड़ा गैस की फ्लेम फास्ट ही रखनी, धीमे आंच पे इसे फ्राई नहीं करना है।
धीमे आंच पे जो फ्राई करने जाते हैं ना हम, तो ऑयल पी जाता है, फिर मजा आती नहीं भजे खाने में। जो हम बाहर के भजे खाते हैं उनके कितने परफेक्ट बनते हैं, तो वैसे हमारे घर में भी बनते हैं। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। देख लो जैसे मैं ऑयल में डाल रही हूँ, तुरंत ये ऊपर आ रहे हैं और फूल रहे हैं। ये एक नया स्वाद है यहाँ पे, नींबू का स्वाद मैंने दिया है चटपटा सा। ये तो बोलो ना बच्चे भी मांग मांग कर खा लेते, क्योंकि मिर्ची तीखी लगती ही नहीं। जैसे हम आलू के पकौड़े कैसे खाते हैं वैसे ये लगती है। अब इसे हमें टच करना है, देखो कितने फूले फूले बन गए हैं ये, और इसे उलट पुलट करते जाना, यानी सारी जगह से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। और इसे गोल्डन फ्राई करना है, यानी मिर्च भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और हमारी भजी भी। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं होगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नई नई वीडियो आपको देखने तो बेल आइकन को भी क्लिक करें और आपके मोबाइल में फ्री में आ जाएगी। और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं भजी को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है और भजी भी हमारी एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अभी तक मैंने गैस की फ्लेम फास्ट ही रखी है, धीमे आँच पर इसे मैंने फ्राई नहीं किया है। अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ, जैसे मैंने ऑयल में से निकाला ये थोड़ा भी ऑयल पीता नहीं है और एकदम करारे क्रिस्पी बन गया है। देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है, थोड़ा भी ऑयल पीता नहीं। दोस्तों आप इसे एक घंटे भी ऐसे ही रख लो, एकदम क्रिस्पी आएगा। अभी मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। वाव, तो क्यों ना बाकी के सारे पकौड़े ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों, बिना तीखी हमने बना दी चटपटी नींबू की भजी। रिजल्ट आपके सामने है, मैं आपको लेके बता देती हूँ। इतनी कुरकुरीत का आपको क्या बोलूं, रिजल्ट देख रहे हो आवाज। वाव, तोड़ के भी बता देते हैं। एकदम सॉफ्ट हमारी मिर्ची बनकर तैयार हो चुकी है भजी, देख सकते हो। देखते मुंह में पानी आ गया है, बाहर बहुत जोरों से बारिश भी, ऐसा कुछ खाने का मन हो गया तो बस दिल खुश हो जाता है। तो आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगती तो कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पे नए होगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।